तो ये काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को एक प्लस माइनस का हम ड्राइंग देने वाले हैं। और ये ड्राइंग जो है एक भाई ने मतलब रिक्वेस्ट किए थे कि सर मेरे को इस डिज़ाइन का ड्राइंग बता दीजिए थोड़ा। तो हालांकि दोस्तों आप लोगों को जैसे पता है कि ये चैनल जो क्रिएट किए हैं हम आप ही लोग के लिए क्रिएट किए हैं, और आप लोगों के लिए ये मतलब ये चैनल स्पेशल बनाया गया है ताकि आप लोगों को पीओपी का काम जो है सिखाया जाए। और जिस भाई को ड्राइंग समझ में ना आए, जिसको काम समझ में ना आए, वो मेरे चैनल पे आके कमेंट करें। तो चलिए हम ज़्यादा मतलब आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो है आप लोगों का जो है ड्राइंग हम दे देते हैं कि ड्राइंग आप लोगों को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप लोग ये जो सेलिंग है आप देख सकते हैं जो प्लस माइनस हुआ है सेलिंग में, तो इसी डिज़ाइन को हमने इस पे कॉपी के ऊपर आप लोगों को पूरा ड्राइंग हम बनाना है। तो इसमें जो क्या है साइड साइड से पट्टा बनाया गया है, जो प्लस माइनस में पट्टा बनाया गया है, और उसके बाद से एक सेंटर में डिजाइन है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, हम पट्टा बना लेते हैं। तो आप लोग जैसे पता है कि पट्टा जैसे जो कमरे के ही जगह है उसी के अनुसार आप पट्टा बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों को पट्टा बनाने के लिए एक ऐसे पाइप की ज़रूरत पड़ेगा जो ये बिजली वाला पाइप होती है, जो आप लोगों को एक बार खोल के हम दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, ये पाइप कुछ इस तरीके से आती है, जो आप लोगों को पता है कि दीवारों में इसे लगा के इसमें किल लगा के इसके अंदर तार जो फिट करके इसको बैठाते हैं, वही वाला पाइप है जो आप लोगों को बिजली वाले दुकान पर आप लोगों को एक पाइप 20 से 25 रुपए में आराम से मिल जाएगा। हम क्या करते हैं पहले जो है आप लोगों को साइड से जो है पट्टा है हम बना देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को थोड़ा समझाने में मेरे को और आसानी रहेगा। ओके गाइस, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये जो आपने छत में धागा लगा दिए हैं, जैसे आप मान सकते हैं कि ज़्यादा आप इसको बनाना होगा तो आप लोग 18 इंच से आप लोग 15 से 18 इंच पर यह पट्टा बनाना। ये दीवार है समझ लीजिए कि यहाँ से आप लोग 15 से 18 इंच नाप लीजिएगा, यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा, यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा, फिर यहाँ पर निशान लगा लीजिए, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, यहाँ पर, उसके बाद धागा इसी तरीके से आप जो है इसको पूरा कम्प्लीट धागा के पटक दीजिए, धागा के निशान लगा दीजिए, ठीक है। और ये निशान लगाने के बाद से आपको करना क्या है कि ये जो पाइप है इस पाइप को लेनी है और इस धागे के ऊपर ऐसे चिपकानी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पाइप को इस धागे के ऊपर इसी तरीके से चिपकानी है बड़ी सी पाइप को। और चिपकाने के बाद से आप चाहे तो एक दीवार के साथ भी, जैसे दीवार के साथ भी एक चिपका सकते हैं पाइप, ठीक है, ताकि उसका लेवल जो है बना रहे, नहीं तो इसी पाइप के ऊपर से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये पाइप जब चिपक जाएगा उसके बाद से कहना क्या, इसमें माल भरना है, आपने गुलमाला के साथ इसमें माल भरनी है। माल भरने के बाद से आप चाहे तो इसके सहारे से आप लोग पूरा आराम से इसको माल बराबर भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका चारों तरफ से पट्टा है आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और पट्टा जब कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तो इसका सेंटर आपको निकालना है। जैसे कि ऑलरेडी आपके घर में जो पंखे का सेंटर होता ही है, लेकिन आपका अगर पंखे का सेंटर नहीं है तो ऑलरेडी आप जो यहाँ से सूता लगा के आप पंखा के सेंटर निकाल लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सेंटर इसका कहाँ आती है। सेंटर जो सेंटर निकल गया आपका, अब सेंटर निकालने के बाद से अब आप लोगों को जो डिज़ाइन आपको बताया उस डिज़ाइन को कैसे क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक बीच में से सेंटर जो आप निकाल दिए हैं, एक बीच में से धागा लगा लीजिए और एक इधर से भी धागा लगा लीजिए। चलिए हम दोनों साइड से धागा निकाल लगा लेते हैं। पहले इसका देखते हैं कहाँ से इसका आधा आता है, तो ये आ गया 8। इसका हम दोनों का मतलब सेंटर है इस तरीके से निकालना है। चलिए हम सेंटर निकाल लेते हैं ताकि आप लोग के लिए वीडियो लंबा ना हो के। तो ओके, तो आप देख सकते हैं सेंटर निकल गया है, और जो कोना कोना हम सेंटर निकाले थे थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसका सेंटर यहाँ पर हमने निकाले थे लेकिन यहाँ पर सेंटर पड़ रहा है। खैर इसका कोई बात नहीं है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो सेंटर निकल गया तो इसके ऊपर से अब आपको करना क्या है कि हमको करना क्या है कि अब देखना है कि जो इसका जो डिज़ाइन का लंबाई हमको कितना बनाना है, ठीक है। और ज़्यादा लंबाई भी नहीं बना सकते हैं ताकि यहाँ से भी जब आपका पट्टा तैयार हो गया है तो लंबाई भी ज़्यादा नहीं बना सकते हैं,
हम लोग को कुछ यहीं से कटिंग करना है इस डिज़ाइन को, तो इसलिए पहले हम इधर का और इधर का निकाल लेते हैं कि कितना कितना जगह बचता है, क्योंकि इसके अंदर भी एक गोलाई देना है यहाँ से। तो चलिए इसका हम जो गोलाई निकालते हैं, चलिए हम निकालते हैं कि एक इंच पर निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, ये देख लीजिए एक इंच पर यहाँ पर हो गया और एक इंच यहाँ पे हो गया। आप चाहे तो दोस्तों एक फुट दो फुट इतना आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब का क्या करना है आपको, एक प्लस माइनस वाली जो फार्म आती है कुछ इस तरीके होती है, उसमें ये कटिंग पूरा बराबर होती है, आप लोगों को पता होगा। उस फार्मे को आपको ले लेना है, उस फार्मे को लेने के बाद से आपको ये जो पट आपका तैयार हो गया है इसमें बाला भी लगाना है, हालांकि हमने बाला भी नहीं लगाया है। तो इस पट्टे के आसपास से आप लोग रख के आपको देखना है कि आपका जो दूरी कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक आपको बनाना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, जहाँ तक ये जहाँ गुलाई कट रहा है वहाँ से आपको कटिंग करके बना देना है तो बना देना है, लेकिन वो छोटा बड़ा वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कितना बड़ा और कितना छोटा बना सकते हैं, ठीक है। अब ये फार्मा है, तो ये फार्मा को या तो ये फार्मा जैसा ये आपको मिल गया, यहाँ से पूरा कटिंग रहेगा, यह पूरा चौरस कटिंग रहेगा, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं हम कि वो फार्मा जो होता है वो इस तरीके का चौरस कटिंग होती है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि ये वाला जो आपका ये अंदर वाला भाग है, ये जो जो कील की तरफ से अंदर वाला भाग है उस पर ऐसे फार्मा या यहाँ पर रखना है इस निशान के ऊपर, ठीक है। और जहाँ ये कील आपकी आती है वहाँ पर रखना है, और रख के इस तरीके से आपको एक सर्कल बनानी है, ठीक है। तो चलिए हम सर्कल को तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हम यही पे लगाते हैं जहाँ हम मेरा ये ख़त्म हुआ है, जहाँ पट्टा बनाया है यहाँ से। चलो हम एक सूता दो सूता या एक इंच हटा के रख लेते हैं, और रखने के बाद से देखते हैं कि यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हम ठीक है फ्रेंड्स, इतना पर रहने देते हैं हम। अब इसी तरीक़े से हम एक इधर से हम बनाते हैं, एक यहाँ रखते हैं पेंसिल, हालांकि यहाँ पर जगह हमको कम मिल रहा है, ठीक है। हमको इधर से आधा इंच लेना चाहिए था, लेकिन हम एक इंच ले लिए हैं। तो बाकी आप जो बनाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका एरिया में आपके छत के एरिया कितना है। चलिए चलिए एक्स्ट्रा है जो हम बाद में इरेज कर देंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने बना दिया है, जैसे पट्टी इतना आपको पहले तैयार कर देनी है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये पट्टी तैयार करने के बाद से आपको करना क्या है कि एक पट्टी जो है यहाँ से आपको बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से पट्टी बना लें, जैसे कि ये पट्टी जो आपका यहाँ चौरस तैयार हो गया, उसी तरह चौरस एक यहाँ पर तैयार कर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए उस चौरस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उसका हम मतलब पूरा साइज देखेंगे कि कितना पे हमको तैयार करना है। अगर ये ज़्यादा अंदर जा रहा है तो हम यहाँ तक नाप सकते हैं, ठीक है। अगर ये जितना छोटा करना है आपको कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने निशान यहाँ पर लगा दिए हैं, हम यहाँ पर समझ लीजिए ये सात है ना, जो तीन इंच से थोड़ा कम है, सात है, इसके यहाँ से हम निशान लगाया, ठीक है। अब इसके ऊपर से क्या करना है, हमको यहाँ से धागा पटक देना है, धागा लगा देनी है, मतलब जैसे धागा पटकते हैं इसे रख के दोनों साइड से धागा लगा देते हैं, यहाँ से धागा लगा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम ऐसे करके इसको लगाएंगे निशान पेंसिल का, ठीक है। तो पेंसिल कहाँ है, तो ये आ गया निशान यहाँ तक, ठीक है। और ये जो निशान है ये आपको धागा लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। जब धागा लग जाएगा तो ये जो पट्टी बनाया है ये वाला, इसी पट्टी से आपको क्या करना है कि आप चपटी चिपका के यहाँ पे चपटी चिपका के उसके सहारे से अंदर से तरीके से बना सकते हैं आप। और जब ये बन जाएगा पूरा आपका, ये अंदर से जब बन जाता है पूरा, तो अब आपको करना क्या है, जब ये बन जाएगा तो आपको तो पता है कि आपका जो ये डिज़ाइन होता है कम से कम से इसका थिकनेस रहता है कोई 10 सेंटीमीटर तक, एमएम तक रहता है,
तो प्लस माइनस के फार्मा का 10 ही mm उसका जो थिकनेस रखना चाहिए ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसका जो सेलिंग का है थिकनेस डाउन होती है तभी जाकर वो अच्छा लगता है, और ये जो मतलब छत से चपका रहता है, ठीक है। तो ये जो इतना जब डिज़ाइन बन जाएगा आपका, तो इसके बाद से क्या करना है, इसके ऊपर से POP पूरा भर देना है आपने। इसके ऊपर से POP पूरा भर के आपको चेप्टी के साथ इस तरीके से बराबर कर देनी है, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर माल छप के फिर बराबर कर देनी है, पूरा इसको मतलब बराबर करके इसको फिट कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंदर डिज़ाइन तैयार। और जो डिज़ाइन में आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो लाइट का फार्मा पड़ जा रहा है, तो इसके वजह से यहाँ से कटिंग करके इसे निकाल दिया गया है। खैर उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सेंटर में फ़ैन है तो हो जाएगा, अगर जो साइड में है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे डिज़ाइन में आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं कि जैसे ये बनाए हैं इसी तरीके से मतलब एक यहाँ पे आपको बनाना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक पट्टी बनानी है, और जैसे कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक इस पट्टी को इसमें अटैच कर देनी है। जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे डिज़ाइन है उसी तरह से हमने बना के इसको तैयार कर दिया है ड्राइंग को। हालांकि दोस्तों इसको हम आप लोगों को दिखाए नहीं बनाते हुए, लेकिन उसका बता देते हैं। अब इस बाले को बनाने के लिए आप लोगों को करना क्या है, जो दोस्तों कि आप लोगों को जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पट्टी जो है प्लस माइनस की पट्टी होती है, उस पट्टी को चाहे तो इस पट्टे के ऊपर धक के खींच सकते हो, मतलब बीच में एक चपटी चिपका के इसके और इसके दोनों साइड से चिपका के एक एक इधर से एक इधर से लंबा लंबा खींच सकते हो, ठीक है। और ये इसको ऐसे खींच सकते हो और इसको भी खींच सकते हो, ठीक है। और ये आपको खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचा बना के, और जैसे आप नीचा बनाओगे पहले सरसों का तेल लगा लेना, उसके ऊपर से बना के और फिर पट्टी को यहाँ से नाप लेना कितना कितना है, उसके बाद से कटिंग कर करके आप माल के साथ उसको रख के आराम से उसको चपका भी सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने कलर नहीं किया कि आप लोगों को बताने के लिए, जो आपका ये बाला बनाया है उसको आराम के साथ उस पर आप चिपका सकते हो सूता के ऊपर से रख के आप, ठीक है। बस आपका ये जो डिज़ाइन बन के हो जाएगा रेडी। थोड़ा इसको हम कर देते हैं कलर ताकि आप लोगों को दिखने में अच्छा लगे। दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो ही गया, मैं शॉर्ट वीडियो बनाते बनाते थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन है तो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो यही सब है फ्रेंड्स, तो ये जो डिज़ाइन है आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। हालांकि इस डिज़ाइन के ऊपर और सारा डिज़ाइन है जो आप लोग बना सकते हैं अपना दिमाग लगा के। तो जैसे मैं आप लोगों को बताया था, ड्राइंग बताया था, उसका ड्राइंग आप लोगों को दे दिया। बाकी उस डिज़ाइन में यहाँ पे एक चौरस है, यहाँ पे है, वहाँ पे चौरस है, तो आपके ऊपर डिपेंड पड़ती है, बनाना है नहीं बनाना है। यहाँ पे सेंटर में फ़ैन है तो बस फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स ये पट्टा और ये बाला, ये सर्कल बस आपका जो डिज़ाइन वह तैयार हो गया है, आप देख लीजिए। आप लोग एक बार थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। अगर जब आप ये बनाते हो तो बढ़िया से ये डिज़ाइन बना सकते हो अपने, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। कोई भी दिक्कत होगा तो भाई यहीं पे बैठा है आप लोगों के लिए, कमेंट करना। चलिए इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर देना, ये भाई का चैनल है, न्यू वाला इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को काम सिखाया जाता है।